ठीक है, तो हर जो नेता आएगा, आगे आएगा, वो अपने हिसाब से जाजम बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे, क्यों को पसंद नहीं आते थे, उसमें मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनकी फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मैं मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया एनएसयू के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान मेरे जोधपुर जिले का, फिर मैं एमपी बन गया। एक लंबी कहानी है। तो गुलामी आजाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं, और जो मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके, ठीक है। ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार में कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे, वो भी एक बहुत उभरते नेता थे, कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त की जो टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे, ठीक है। आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने सारे साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं, क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों को, 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी और संजय गांधी जी। गुलामी आजाद साहब की शादी में गए वहां श्रीनगर के अंदर, वहां से शुरुआत करी, कभी नौजवान लड़का है ये, आगे बढ़ना चाहिए, उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों एमपी बन के, तो वहां से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्रपति में आए हो 5-6 बार, तो वहां उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है। आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता, सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है, तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की, कि मैं किन को सेलेक्ट करूँ, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे, उनमें आजाद साहब भी शामिल हैं, उस रूप में आज 40-42 साल तक एनएसयू में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आजाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। अब वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आने नहीं जाती थी, हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कह रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज
सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने साथ किए गए कामों और किन वजहों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, इन पर रोशनी वो डालने की कोशिश करें। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर क्या कहा, सुनाते हैं। स्कूल तो एक म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। अगर असम का पास खाली 1200 ही स्कूल होता था, हर स्कूल में हर बेटा को एक कंप्यूटर मिल जाता था, एक आईपैड मिल जाता था, स्मार्ट क्लास मिल जाता था, सुबह विथ मीट एंड राइस ब्रेकफास्ट हो जाता था, लंच विथ पुलाव एंड मंग्स पुलाव एंड मीट हो जाता था, तो ये 1200 स्कूल चलाने वाला एक व्यक्ति ये कहीं एक स्टेट का साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे पता नहीं। दरअसल असम की शिक्षा व्यवस्था पर बोल रहे थे हिमंता बिश्व शर्मा, लेकिन कमोबेश उम्मीद की जा रही है कि प्रतिक्रिया इस पर भी सामने आएगी जब गुलाम नबी आजाद पर उनके किए गए कार्यकाल पर वो कुछ बोलेंगे। देखिए बड़ी बात यह, गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे उस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई थी, ना सिर्फ उनकी पार्टी की ओर से बल्कि बीजेपी की ओर से भी कुछ भावुक क्षण देखने को मिले थे। और ऐसे में उनकी जब स्वीकार्यता तमाम दूसरी पार्टियों में भी है, प्रतिक्रिया हर ओर से सामने आ रही है, खासतौर पर वो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी और की नहीं चलती, ये ठीक ऐसे आरोप हैं जो गुलाम नबी आजाद ने लगाए हैं, सुनिए। हमारे साथ हैं कविंद्र गुप्ता जी जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता भी हैं और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कविंद्र जी, आज जो गुलाम नबी आजाद हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में परिवारवाद के कारण से जो घुटन महसूस हो रही थी, इसका उदाहरण पहले जो G23 सम्मेलन हुआ था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेताओं का, वो एक इशारा था। कांग्रेस में साइकोफेंट्स का राज है जिसके कारण से परिवार के आसपास जो घूमता रहेगा उसका तो सर्वाइवल है। तो मुझे लगता है कि इनकी गुलाम नबी आज़ाद की कुछ महत्वाकांक्षाएं भी रही होंगी इन सभी विषयों को लेकर के। लेकिन एक वरिष्ठ नेता थे, राजीव गांधी से लेकर तमाम लोगों से रिश्ता रहा, सोनिया गांधी की कोर टीम में रहे, लेकिन ऐसे नेताओं को छोड़कर जाना पड़ रहा है अब। और बड़े भारी मन से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से, जब से राहुल गांधी आए तब से पार्टी में ये सब हो रहा है। स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में समाप्ति की ओर है और जिस प्रकार से तमाम जो नेता उनके आसपास घूमते हैं, वो किस प्रकार की उनके सलाहकार हैं ये वही बता सकते हैं। लेकिन ये तो सही है कि परिवार के अलावा कोई किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता और साइकोफेंसी जो है वहाँ पर एक मुख्य काम है। बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता का कहना है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस में अब किसी और की कोई जगह नहीं है और इसीलिए जो नेता है बड़े नेता छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अपनी महत्वाकांक्षा भी शायद होगी गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़ने के पीछे। किरण अंकित के साथ अमित कुमार, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।